कि शादी का ब्लॉग कहाँ है, क्यों नहीं बनाया, ऐसा वैसा हम लोग इंतजार कर रहे थे। तो गाइस मैंने ब्लॉग नहीं बनाया तो सॉरी। सो अभी मेरे बहन का फ़ोन आ गया कि हम लोग आ रहे हैं बस 5 मिनट में। तो जी, माय नेम इज गुरजीत सिंह, आई एम बैक विद द न्यू वीडियो गाइस। सो नए दिन के साथ नई शुरुआत हो चुकी है। सो गाइस, जैसे कि आप लोग के बहुत सारे मैसेज आ रहा है मेरे पास कि शादी का ब्लॉग किधर है, शादी का ब्लॉग किधर है, तो गाइस शादी का ब्लॉग मैंने नहीं बनाया है, ना ही रिसेप्शन का ब्लॉग मैंने बनाया है। बिकॉज मैं शादी में बहुत ज़्यादा लेट गया था क्योंकि मुझे सबको पगड़ी बांधी थी। तो कौन आए? ओ मामा आ गए हमारे। सत श्री अकाल मामा। हां तो वीडियो बना तो रे। ठीक है। सो शादी में मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, इसके लिए मैं शादी का ब्लॉग नहीं बना पाया। लेकिन आज मेरी दूसरी बहन की शादी है, उसका तो मैंने कुछ भी अटेंड किया ही नहीं है, ना ही हल्दी मेहंदी डीजे कुछ भी अटेंड नहीं किया माता की जोत। बिकॉज मेरा 3-4 दिन शूट था गोरेगांव में, तो मैं वहीं था और आना जाना कर रहा था। सुबह को 5:30 बजे निकलता था, रात को 1:30 बजे घर पर आता था, फिर सोता था, फिर सुबह 5:30 बजे निकलता था। ऐसे ही मेरा रूटीन चल रहा था। तो कल मैं शादी में गया था, बट वहीं पर मुझे बहुत सारे लोग मिले कि शादी का ब्लॉग कहाँ है, क्यों नहीं बनाया, ऐसा वैसा हम लोग इंतजार कर रहे थे। तो गाइज मैंने ब्लॉग नहीं बनाया तो सॉरी, बट आज मैं रिसेप्शन में जा रहा हूँ तो मैं ब्लॉग बनाऊँगा रिसेप्शन का। मैं ट्राई करूँगा मैं जल्दी जाऊँ, उनकी एंट्री वगैरह सब कुछ कैप्चर करने की कोशिश करूँ। सो ठीक है, मैं अभी पढ़ना बंदा था मैंने। सो मम्मी ने बोला कि आज रिसेप्शन है, मुझे पता भी नहीं था रिसेप्शन है, बट अभी ठीक है, पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर ही स्वेटशर्ट डाल के देखूँ, अगर अच्छी लगेगी तो ठीक है, नहीं तो मैं बड़ी पगड़ी बांधूँगा, मतलब पग बांधूँगा थोड़ी बड़ी। तो देखते हैं, अभी मम्मी प्रेस कर रही है, देखूँ पूछूँ हो गया, नहीं तो मैं चेंज करके पहले आपको दिखाता हूँ। अगर आप अच्छा लगे तो फिर मैं देखता हूँ, नहीं तो बड़ी पगड़ी बांधूंगा, नहीं तो हेरे नहीं दूंगा। तो देखते हैं, मम्मी से पूछते हैं। सो गाइस, मैंने इसको ही खींच के बड़ी कर दी और बड़ी पग बना दी। देखो आपको पसंद आ रही है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, तो मैं आपको ये भी टिप बताऊंगा कि ये कैसे करते हैं। सो गाइस, मैंने अपनी बहन को फ़ोन कर दिया है, जैसे ही वो निकलेगी मेरे को फ़ोन करेगी और फिर मैं भी वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। जिसकी शादी है वो ही मेरे को फ़ोन करेगी कि मैं निकल रही हूँ और मैं रिसेप्शन पर फिर टाइम पर पहुँच जाऊँगा और उसके एंट्रेंस वगैरह सब निकाल दूँगा। हाल फिलहाल तो अभी 1.5 घंटा बचा हुआ है, तो जब तक के लिए मैं बाहर जाता हूँ या तो घर पर बैठता हूँ। जैसे मेरे को दोस्त लोग फ़ोन कर रहे हैं कि बाहर आ या चलते हैं ऐसा वैसा, तो मैंने सोचा था कि रिसेप्शन में जाऊंगा, आज ब्लॉग बनाऊंगा तभी मैं घर पे ही बैठा हूँ। अगर मैं इधर निकल गया तो डायरेक्ट रात के आऊँगा तो रिसेप्शन भी मेरा हो जाएगा कैंसिल। फिर तुम लोग बोलोगे कि ना ही शादी का ब्लॉग बनाया, अभी रिसेप्शन का भी नहीं बना रहे हो, सा वैसा, इसके लिए तुम्हारी गालियाँ खाने से अच्छा तो इसके लिए आपके लिए करना पड़ेगा, घर पर बैठना पड़ेगा और आपके लिए ब्लॉग बनाना पड़ेगा अच्छा सा। मेरी बहन भी मेरे ऊपर चढ़ी पड़ी है कि तू एक भी प्रोग्राम में नहीं आया, कुछ भी नहीं, खाली डायरेक्ट शादी में आया है। तो मैंने अभी अभी फ़ोन किया तो मेरे को चिल्लाया अभी कि बोला चल ठीक है, अभी रिसेप्शन में आ रहा है ना, वही अच्छी बात है। तो मैंने बोला ठीक है यार सॉरी, क्योंकि मेरा भी काम रहता है तो आ नहीं पाता हूँ। मेरा काम ही ऐसा है कि अगर मुझे आ जाएगा तो मैं अपने घर के सारे फंक्शन, मैंने तो कितना नहीं कितने फंक्शन छोड़े हैं, गुरु गोबिंद सिंह का प्रकाश पर्व छोड़ा है, कितने नगर कीर्तन छोड़े हैं मैंने, बट चलेगा, काम भी इंपॉर्टेंट है और ये सब भी इंपॉर्टेंट है, जब भी टाइम मिलेगा ये भी अटेंड करेंगे। और गाइज जो मैं बाकी जो भी ब्लॉग्स चल रहा हूँ शूट वगैरह के, आप उसमें प्यार दिखाते ही नहीं हो, सो गाइज वो भी जाके देखो, बहुत अच्छे ब्लॉग्स रहते हैं। और आई होप थंबनेल के थ्रू आपको नहीं समझ पाता रहेगा, पर मेरे ब्लॉग्स के अंदर घुस के जाके देखोगे तो आपको बहुत अच्छा जो मैं मस्ती वगैरह करता हूँ सेट पर और वहाँ पर, तो आपको देखने मिलेगा। सो अभी मेरे बहन का फ़ोन आ गया कि हम लोग आ रहे हैं बस 5 मिनट में, तो अभी मैं भी जा रहा हूँ वहाँ पे हॉल में, देखते हैं क्या सिस्टम है, कैसा हॉल है।
तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद रहेगी, पसंद है तो लाइक कर देना, नहीं तो सब्सक्राइब कर देना, कमेंट्स में बताना क्या अच्छा लगा, क्या ब्रो लगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय।